का हुआ सुरेश मसीह के नाम से सबसे मसीह की परमेश्वर हमें स्टडी में एक बार और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि लगातार हमारे बीच में परमेश्वर कार्य करते आए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करने के कारण वचन के द्वारा हम लोगों को लगातार परमेश्वर अपने काम कार्य करता है। और आज भी हम लोग मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य में से तीन कलीसिया के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तीसरा कलीसिया को आधा में मैंने छोड़ दिया, कारण क्योंकि एक ही दिन में आधा घंटा में सब बताना नामुमकिन है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सेकेंड पार्ट करके उसके बारे में आप लोगों को समझाने के लिए किस वर्ड वाला हम लोग अध्ययन कर रहे थे, पर्गमोन कलीसिया के बारे में। ठीक है, तो आइए हम इस पर प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय में एक बार और 12 से लेके 17 तक वचन फटाफट पढ़ेंगे। प्रेरित कलीसिया का दूत को यह लिखे जिसके पास उद्धार है और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में तू पीछे नहीं हटता जिनमें मेरा विश्वास के साक्षी अंतिम बार तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं जिसने बलाक को इसराइलियों के आगे पकड़ कर रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन पिया नहीं तो मैं तेरे पास ही नहीं आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पे एक नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पर पेरगमोन कलीसिया के बारे में हम लोग 12 से लेके 14 तक मेरे ख्याल से हम लोगों ने अध्ययन किया है। पेरगमोन कलीसिया जो है एक क्या कलीसिया था वो उसके बारे में कहा, पेरगमोन कलीसिया के बारे में पेरगमोन मतलब क्या है, वो कलीसिया जो है कॉम्प्रोमाइज समझौता करने वाला कलीसिया था। ठीक है, और परमेश्वर इस कलीसिया में अपने आप को किस प्रकार के अपने प्रकट किया है कि दो धारी और चौकी तलवार लिए हुए परमेश्वर वहां पर खड़े हैं। इसके वहां पर परमेश्वर वहां पर उसके बारे में मैंने खड़े हैं उसके अपने अपने आप को वहां प्रकट किया है। और इस कलीसिया जरूर इसका काम जो है कि शैतान के बीच में लोग अपना बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी लोग प्रभु के लिए लोग अपना जीवन बिताया है, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि अंतिपास नामक एक व्यक्ति का जो शहीद हो करके वो क्या हुआ मरा है और लहू लुहान से भरा हुआ जगातार लोगों को अत्याचार लोगों जो प्रभु को मारने वाले लोगों को मारते पीटते थे और लोग बहुत लोगों को शहीद होना पड़ा। जैसे उस कलीसिया के जैसे अंतिपास नामक एक कलीसिया उस कलीसिया में एक विश्वासी का नाम भी उसमें दिया गया है और उन्होंने प्रभु के लिए मरा, फिर भी लोग वहां पर कैसे थे एकदम प्रभु में मजबूत थे, लेकिन बीच में कि क्या हुआ कि उन लोगों ने कि बिलाम का उनकी शिक्षा को प्राप्त करते हुए उन लोगों ने क्या किया कि बिलाम का शिक्षा क्या था, व्यभिचार करना मूर्ति पूजा करना बिलाम का शिक्षा था, क्योंकि इजरायली लोगों की जो कमजोरी था वो जान रहा था, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया उनकी वो श्राप देने के लिए गए, श्राप नहीं दे पाया लेकिन आशीष दिया और आशीष देने के कारण तो बालाक जो है उसको बोला कि आप कैसे काम किया, तो उन्होंने बोला क्या करे कि मैं परमेश्वर जो मुझे कहता है उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये काम है कि लोगों को क्या करना है कि सुंदर सुंदर लड़कियों को उनके बीच में छोड़ दो, तो ये लोग क्या करेगा लड़कियों को दीवाना हो जाएगा
फिर उसके बाद उन लोगों के साथ शादी करेगा, फिर वो मूर्ति पूजाएगी, वही मिलाप का शिक्षा। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, वो आप गिनती 25 अध्याय में 21 अध्याय में आप उसके बारे में पढ़ के समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 15 वचन में क्या लिखा है, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसा है जो निकोलाई की शिक्षा को मानते हैं। कलीसिया में जब हम लोग अध्ययन किए थे उसमें भी निकोलाई कलीसिया निकोलाई का जो शिक्षा है लोग उस कलीसिया में आया लेकिन उन लोगों ने उसको नहीं पाला, यहाँ उसको नहीं माना। वैसे ही यहाँ पर लिखा है वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे जो निकोलाई शिक्षा को मानते हैं। कलीसिया में लोग नहीं माना लेकिन यहाँ पर माना। निकोलाई ये क्या होता है, बस इसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। निकोलाई जो है ये एक वर्ग के लोग है, वे सोचते वो लोग क्या करेगा, द अर्न प्रेजेस, वो क्या करता है अपने आप को महिमा करना है आज इंसान को, जैसे वो लोग क्या करेगा परमेश्वर के पास पहुंचाना, परमेश्वर माने जब प्रार्थना करते हैं, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम क्या करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। निकोलाई जो है ये वर्ग के लोग क्या किया कि लोगों को, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे लिए जैसे क्रूस पर बलिदान जैसे हुआ तुरंत कलीसिया जो मंदिर में जो पर्दा था क्या हुआ दो बार हो गया, एक समय तक क्या था पवित्र स्थान पे इंसान परमेश्वर से भेंट नहीं कर सकते थे, याजक के पास बलि कर देना है, उनके पास अपने पापों को बताना है, फिर वो जाकर के क्या करेंगे पवित्र जो होली और वो ये है वेदी है उसके पास क्या नाम क्या बोलते हैं याजक लोग ही उसके पास जाकर के पता माने अपना भेंट को चढ़ा सकते थे, कोई भी सीधे परमेश्वर के पास दर्शन नहीं रख सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, पर्दा नीचे से ऊपर तक फाड़ा, फाड़ने के बाद क्या हुआ क्या फट गया, जैसे क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ तुरंत वो फट गया, फटने के कारण क्या हुआ कि परमेश्वर के पास कोई भी सामने सामने भेंट कर सकते, एक समय तक क्या था परमेश्वर से आमने सामने नहीं भेंट करेंगे, एक एक सीमित था वही तक लोग जाएगा वहां पर बलिदान देगा, भेड़ बकरी जो भी हो वहां जाकर के याजक के पास देगा, वो ले जाकर के भीतर पवित्र स्थान में ले जाता था, वो भी हर दिन नहीं जा पाएगा साल में एक बार। ठीक है, ऐसा बहुत नियम था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मरने के बाद क्या हुआ, वो सारे बातें जो है वो बंधन से परमेश्वर आप लोगों को छुटकारा दे दिया, हम सामने सामने परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कोई हमारे लिए बिचौलिया में भी क्या बोलते हैं मध्यस्थ की जरूरत नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ दिन तक चला लेकिन ये निकोलाई करके जो वर्ग के लोग क्या किया प्रार्थना कराएंगे बलि चढ़ाएंगे, फिर उन लोग उस काम को करने लगा। आपको मालूम होना चाहिए अभी भी कुछ ऐसे लोग है कि वे यीशु मसीह से सामने जाके सीधे यीशु मसीह के पास नहीं प्रार्थना करेंगे, घुमा फिरा के माता के पास जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, कोई जो मरे हुए जो संत लोग हैं उनके पास जाके प्रार्थना करेंगे मेरे लिए प्रार्थना होता है ना, कि आप एक और लोग है, लो क्या करता है सीधे प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने से बगैर वो लोग क्या करते हैं, अभी भी लोग क्या करते हैं कि माता मरियम के पास जाएंगे मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे लिए विनती करो, फिर फलाना कोई संत लोग होंगे उनसे बोलेंगे मेरे लिए विनती करो, नहीं परमेश्वर हमारे लिए एकदम उनसे बात करने के लिए हमको परमिशन मिल गया। ये निकोलाई जो वर्ग के लोग थे ये लोग क्या करता था कि परमेश्वर से आमने सामने वेट करने नहीं देते थे, वे कहते थे मेरे पास अपने पापों को बताओ, मेरे पास लाकर के बलिदान चढ़ाओ, मैं जाकर के परमेश्वर से बताएंगे करके। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद मर के जी उठने के बाद उठा लिए गए फिर भी ये बातें वो लोग सुनाते हैं।
इसीलिए कहते हैं कि वैसे ही तेरे यहाँ कितने ऐसे हैं जो निकोलाय की शिक्षा को मानते हैं। ये क्या निकोलाय क्या करता है, अपने आप को सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मेरे से और आगे कोई भी नहीं जा सकते हैं, परमेश्वर से मिलना तो मेरे पास आके बताएगा, उसके बाद ही तो क्या होगा परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं, मेरे से बोलेगा मैं जा करके वहां पर। वो ऐसा एक कुछ वर्ग के लोग थे, वैसे लोगों को इस कलीसिया में लोग मानते थे, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वैसे ही तेरे यहाँ कितना ऐसा है जो निकोलाय की शिक्षा को मानते हैं, परमेश्वर इसको पसंद नहीं किया, परमेश्वर इसे घृणा किया। 16 वचन पढ़ेंगे, सो मन फिरा, ठीक है तुम लोग कर दिया लेकिन एक और मौका देंगे, मन फिरा। कई बार हम भी क्या हो जाते हैं, प्रार्थना संडे भी हम लोग सुने थे कि प्रार्थना करना, हम सीधे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमारा पूरा पूरा हक है, कोई जरूरी नहीं है कोई मेरे लिए प्रार्थना कर, भैया मेरे लिए प्रार्थना, कितने लोग आज भी लोग क्या करता है कि फलाना नंबर पे प्रार्थना करो, प्रार्थना तुम लोग को करें करना है तो 500 रुपया दो, कोई कोई अभी भी चलता है, लोग क्या करता है घाव गाँव छोड़ करके पंजाब जाता है हरियाणा जाता है, क्या करने के लिए प्रार्थना कराने के लिए, क्या करने के लिए प्रार्थना कराने के लिए, कि वहां भी जा करके वो पास्टर से चाहे जो सेवक उनसे मिल नहीं पाएंगे, 500 रुपया देना पड़ता है, 500 रुपया दे देंगे वो क्या करेंगे वहां जाके बोलेगा, वो प्रार्थना वो बोलेगा ठीक है अभी जाइए घर जाइए, घर में जाकर के ऑनलाइन में देखिएगा, फिर उसके बाद एक समय देंगे उसके बाद आप मेरे पास आएंगे। आप लोग भी यही निकोलाय जो उनका जो आज्ञा है ना, क्या वो शिक्षा है वही है, कहने के मतलब कि अभी भी लोग उसको मानते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत दूर दूर जा करके हमें ये करने का जरूरत, जहाँ हम हैं वहीं से पुकारते हैं परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा हमारा अंदर हमारे लिए अधिकार दिया है कि हम जहाँ हैं वहीं से हम प्रभु को पुकारेंगे, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, इसीलिए हमें इधर उधर जाने का जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए भैया, प्रार्थना कीजिए दीदी, प्रार्थना कीजिए अंकल, प्रार्थना तो जरूर करते हैं, हम तो करते हैं, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, शाम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही हमारे लिए सब कुछ सोच करके उनके पीछे नहीं जाना। हालेलुया, परमेश्वर हमारा पूरा पूरा अधिकार दे दिया है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर हम लोगों को क्या दे दिया है सीधे उनसे भेंट करने के लिए परमेश्वर हमको अधिकार दे दिया है। फिर 16 वचन में लिखा है कि मन फिरा, एक बार पढ़ेंगे उस वचन पढ़ेंगे, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया, कि परमेश्वर हमें एक मौका दिया, उस कलीसिया के लिए मौका दिया कि मन फिरा, क्या है मन फिरा, कि नहीं तो मैं तेरे पास सीधे ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हालेलुया, अपनी मुंह के तलवार, मैंने जिसे हम लोग 12 वचन में पढ़े थे ना, परमेश्वर अपने आप को कैसे प्रकट किया है, तो धारी तलवार, चौक की तलवार के ऐसे ऐसे लोगों को मारने के लिए परमेश्वर कहता है उनके वचन के द्वारा इन लोगों को क्या करेंगे मार गिराएंगे। इसलिए मन फिराओ, ऐसे ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना है, तुमको प्रार्थना करना तो मेरे से प्रार्थना करो, किसी इंसान के पास जाकर के तुम अपने बातों को बोलने का जरूरत नहीं, किसी का शिक्षा को प्राप्त करके उनके अनुसार चलो, बाइबल हमें कहता है उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सिखाया है। और 17 वचन पढ़ेंगे, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कान किसको होता है, किसको होता है, इंसान को होता है, जानवर को भी है कान, लेकिन कभी कभी भैंस जैसा, भैंस क्या करता है कि दोनों ही आरन मारेंगे वो जल्दी हटता नहीं, देखते हैं ना घड़ी में जाने के समय कितना हुरहुर करेंगे, नहीं करेंगे। जिसको कान नहीं है वो क्या है, वो मोती हो सकता है, मोती बनाकर रखा है उसको कान है लेकिन सुनता नहीं है, लेकिन जिसको कान हो यानी इंसान, सुनने वाला इंसान, उसको परमेश्वर कहता है जिसको कान हो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए
उसमें मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हालेलुया। गुप्त मन्ना क्या है? गुप्त मन्ना क्या है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? वो हमारे लिए क्या है? एक गुप्त मन्ना। पढ़ेंगे योहन्ना 6:35 पढ़ेंगे। योहन्ना 6:35 उसने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है, वो कभी भूखा ना होगा। वो कभी भूखा ना होगा। और जो कुछ विश्वास करता, जो कुछ पर विश्वास करेगा, वो कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। वो मन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा। 48 पढ़ेंगे, 48 पढ़ेंगे उसी का। जीवन का, फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जीवन का रोटी मन्ना क्या है? जब इजरायली लोग मिस्र देश से जब आ रहे थे, परमेश्वर ने उन लोगों को क्या खिलाया? मन्ना खिलाया। वो मन्ना आज हमारे लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतारती है ताकि मनुष्य उससे पड़ेगा। उसको पता पड़ेगा ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। हालेलुया। इस मन्ना को खाने वाले मरेगा नहीं। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं कि क्या है? मन्ना। नहीं, तो मन्ना के रूप में परमेश्वर कहता है जो इस कलीसिया में परमेश्वर के नियम के अनुसार चलेगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, निकोलाई का शिक्षा, बिलाम का शिक्षा को नहीं चल, उसके पीछे ना जा करके परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार चलने वालों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको मन्ना दूंगा। वो मन्ना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो ये खाएगा वो कभी नहीं मर सकता। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहता है यदि तुम इस रोटी की जो मन्ना रूपी प्रभु यीशु मसीह को तुम खाएगा कभी मर नहीं सकता है। हालेलुया। जिसको खान वो सुन लो, जो मन फिरने वालों को परमेश्वर हमारे लिए उस रोटी रखा हुआ। हालेलुया। इसको खाने के बाद हम कभी मरेंगे नहीं, हम परमेश्वर के साथ साथ करके हम देखते हैं कि श्वेत पत्थर 19 का प्रकाशित वाक्य 19:9 पढ़ेंगे। तब स्वरूप मुझसे कहा, यह लिख के धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है श्वेत, दूसरा अध्याय 16:17 वचन एक बार पढ़ेंगे। जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उन दिनों में क्या होता था कि जैसे ये मंदिर में लोग जाया करते थे, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, एक पत्थर, श्वेत पत्थर है, उसमें अपना अपना नाम लिख करके वहाँ पर रख देते थे। उस मंदिर के बाद जा करके क्या करेगा लोग, एक अंधविश्वास। अभी भी आप नेपाल वगैरह में जाइएगा ना, वो क्या करेगा, एक मंदिर जैसा रख ताला लगा के ताला लगा देगा, कपड़ा बांधता है ना, कोई कोई मंदिर में करता है ना, कपड़ा बांध देगा और ताला। आप एक रोमन कैथोलिक वाला एक चर्च है वेलांगनी करके, वहां हम लोग रहते सारा ताला लगा, पता नहीं क्यों वो लोग उसमें, उन लोग अपने अपना अंधविश्वास है उन लोगों के अंदर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उन दिनों में पुराने नियम में, जैसे जो मंदिर मैंने बताया उन दिनों में कि जो डायनोसिस
रियासिस और सीएस का जो मंदिर था वहां पर लोग क्या करते थे, एक पत्थर व्हाइट पत्थर लेकर के उसमें नाम लिखते थे, नाम लिख करके अपना अपना नाम लिख करके रखते थे, ठीक है। लेकिन इसका क्या अर्थ है, इफ सपोज मान लीजिए कोई शादी में आता है, शादी में हमको निमंत्रण आता, कैसे लोग आकर करेगा, एक कार्ड देगा, कार्ड में क्या करेगा, नाम लिख करके देगा, देता है ना कि फलाना का शादी है तो आपका घर आ रहे हैं, ये पास्टर मैथ्यू उसका लिख करके कार्ड देंगे, इसका मतलब मेरा नाम उसमें लिखा है, मेरे परिवार के लिए निमंत्रण मिला है तो हम उस शादी में जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर एक इन्विटेशन के समान है ये पत्थर, कि हमारा नाम उस पत्थर में लिखा रहेगा, वो हमारा में देंगे, जिसके जिसके पास उस पत्थर में नाम है वो स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, उसके लिए निमंत्रण दे चुका गया है, दे दिया गया है, आपके नाम यदि वो पत्थर में लिखा है इसका मतलब यह अभी ऑलरेडी इनवाइटेड। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना बिना इनविटेशन का, आजकल ऐसे क्या हो जाता है, बिना इनविटेशन के भी लोग चले जाते हैं शादी में, हालांकि मैंने बिना इनविटेशन बुलाया नहीं बुलाया, बहुत बेस्ट आनंद मिल गया, लेकिन कहीं कहीं लोग मार के क्या करता है, उसके लिए एक ये रखा हुआ। अभी कभी अभी क्या हो गया कि आप जो इन्विटेशन देते हैं उसको जाकर के वहां स्कैन करना है, स्कैन में हाँ हो जाएगा तब अंदर जा सकते, अब ऐसे भी नियम हो गया, ठीक है, ऐसे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही उस कलिशा में परमेश्वर क्या करता है कि और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके जिसे उसके पाने वाले सिवाय और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया, यहाँ पर जो उसको हाथ में वो पत्थर देंगे, जिसके हाथ में वो इनविटेशन देंगे, वही उस शादी में मेमना का शादी में क्या कर सकते हैं, हम अटेंड कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, इस कलिशा के लिए परमेश्वर करता है, जिसके जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलिशा से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उस और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा और उस पत्र पर एक नाम लिखा हुआ रहेगा होगा जिसके जिसे उसके पाने वाले सिवाय और कोई ना पाएगा। हालेलुया, कि उसके अंदर प्रवेश करने के लिए किसी को अनुमति नहीं है, जब तक परमेश्वर के वो ना ये अनुमति हमें नहीं मिलेगा हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा, हम परमेश्वर का उस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, चरणमोल कलिशा के लिए परमेश्वर यही करता है कि मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। वो परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुआ है, परमेश्वर अपना शरीर को हमारे लिए एक रोटी रोटी के रूप में हमें दिया है, उस रोटी को खाने के लिए परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का रोटी है, जो वो रोटी खाएगा। बहुत लोग प्रभु को से भागते हैं, जो बहुत लोग क्या करते हैं, प्रभु से भागते में पाप कर दिया हूं, मैं प्रभु वच में भाग नहीं, लेकिन लोग सीरियसली नहीं समझते प्रभु वच के मतलब क्या है। योहन्ना 6 अध्याय में जाकर पढ़ेंगे, जो इस प्रभु बोध में भाग नहीं लेता इस शरीर और इस लहू को, जो उसमें जो नहीं खाता नहीं पीता है, वो परमेश्वर के साथ उसको कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ उनके पास उनका साथ कोई संबंध नहीं है, इसको मत सोचिएगा थोड़ी सी कैसे रहेगा, कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। हमको उस गुप्त मन्ना में से हमें चाहिए, क्योंकि उन दिनों में लोग भूखे रहने के समय परमेश्वर स्वर्ग से अपने मन्ना को परमेश्वर ने लोगों को दिया, लेकिन अभी यीशु मसीह खुद रोटी बन करके हमारे लिए वो बरसा है, अपने लिए मरा है, उस रोटी को खाने वाले कभी वो मर नहीं सकता है। हालेलुया, और ऐसे श्वेत पत्र भी दूंगा, पत्र में हमारा नाम लिखा रहेगा, नया नाम, इब्राहिम और नाम पहले क्या था, अब्राहम था, है ना, हम देखते हैं ना इब्राहिम का नाम सबसे पहले उसका क्या था, अब्राहम था, और उसके बाद हम देखते हैं सारा का नाम सेरा,
उत्पत्ति 17:5 में आप पढ़ सकते हैं। और याकूब का भी नाम परमेश्वर ने बदला, क्या बदला? याकूब का नाम क्या दिया? इसराइल का दिया। परमेश्वर हमारे लिए नया नाम रखा है, हालेलुया। उस नया नाम उस पत्थर में लिखा रहेगा, जिसका जिसका नाम उसमें लिखा रहेगा वो ही परमेश्वर के पास जाने के लिए उसका अधिकार है, हालेलुया। यानी कई प्रकार की बातें हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए, कई प्रकार की शिक्षा हमें अलग करने के लिए आ सकता है। कोई शिक्षा के पीछे ना जाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। उस मन्ना को खाने के लिए उस श्वेत पत्र में हमारा नाम लिखा, लिख करके जिसका जिसका नाम लिखा है नया नाम के रूप से परमेश्वर हमें पुकारेगा। हमने जानते हैं, हो सकता है हमारा नाम कुछ क्या नाम से परमेश्वर हमें पुकारेगा, लेकिन परमेश्वर करता है जिसको खान हो सुन लो। परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या करता है कि हम मन फिर के उस कलीसिया की शिक्षाओं से हम अलग आना परमेश्वर के ही चाहता है। आइए इस वक्त हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जैसे इस पिर्गमोन कलीसिया में जरूर शैतान लोगों को परेशान किया, कितने लोग मारा उस कलीसिया में, परमेश्वर के लिए शहीद हुए, फिर भी ये लोग एकदम मजबूत थे। लेकिन बीच में ये लोग क्या सोचता है कि ऐसे ऐसे शिक्षा देने से हम तो प्रभु के साथ रहे, लेकिन आपको हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हमारे लिए भेंट परमेश्वर ही महान है, कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई लोग हमारे लिए महान नहीं है, परमेश्वर ही हमारे लिए महान है। हम जवान, विशेष करके जवान लड़का लड़कियों के लिए बताते हैं कि कई प्रकार की बातें सुलेमान के जीवन में जरूर उसका शुरुआत बहुत अच्छा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आवाज सुनकर चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना बुद्धि को इस्तेमाल करने के कारण कई देशों से लड़कियों को लेके आया। उस लड़कियों ने इनका जीवन को बदला, अपना बुढ़ापा में परमेश्वर के अलावा अन्य अन्य देवताओं को जाकर के मंडप बनाया और उसको दंडवत भी किया करके हम देखते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कई बार कई प्रकार के ऐसे ऐसे शिक्षा में आकर के आपको कहेगा, अरे बहन आइए ना वहां पर कलीसिया में, आप उधर आइएगा तो वहां पर ऐसा रहेगा, हम लोग एकदम अच्छा से रह सकते हैं, हम लोग जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, अच्छे से मजे से रह सकते हैं, वो पूरा गाना ही बचेगा और हम सबको डांस कर सकते हैं। एक बार एक कलीसिया हमारा विश्वासी आते थे, वो एक दिन बोला हमसे कि हम फलाना मेरे एक दोस्त हमें बुलाए हैं, हम वहाँ एक चर्च में जाएंगे। हमारे बोले ठीक है आप जाके आइएगा। वो गए जाके वहाँ पर, अगला सप्ताह आए ना मेरे उनको कान पकड़ के बोलने लगे, बाप रे बाप रे कभी नहीं जाओ। मैंने क्या हुआ? वो बोले बाप रे वहाँ तो सिर्फ आराधना ही आराधना, कोई लड़का लड़की को पकड़ के डांस कर रहा है, लड़की लड़का को पकड़ के डांस कर रहा, डांस 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 हो रहा है। हम देख करके डर गए, बापरे बापरे कभी नहीं जाऊंगा। उन लोग सोचता है कि हम आराधना कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, प्रभु कने नाच रहे हैं, दाऊद जैसे नाच रहे हैं, ऐसे सोच के लोग नाचता है। लेकिन हमें समझना चाहिए परमेश्वर चाहता है पवित्रता के साथ सौभाग्यवान होकर के परमेश्वर की दंडवत करना। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आ सकते हैं, आप लोगों को पवित्रता आपका जीवन से आपको पकड़ के बीच के ले जाने का। आप इतना दिन से उधर जा रहे हैं, आपको शादी नहीं हो रहा है, चले ना हमारे साथ, हम फलाना कलीसिया में भी, वहाँ ढेर सारा लड़का है, सुंदर सुंदर लड़का है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वहां पर आपको ऐसा करा देंगे। ऐसे ले जाने वाले लोग आ सकता है हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए, पवित्रता से दूर करने के लिए। बहुत लोग बहुत प्रकार की बातों को लेके आ सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। जिसको कान हो सुन लो परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या करता है, हालेलुया। आइए सो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह करें प्रेमदा पिता परमेश्वर, प्रवेश मसीह के नाम से प्रभु, इस परमहून कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता होके दूसरों के साथ हम मिल के नहीं रहेंगे, संसार के साथ हम मिल के नहीं रहेंगे भाई, बल्कि संसार से अलग होकर के जीवन बिताने के लिए लोगों में हमारा कलीसिया के लोगों को सहायता कीजिए। अन्य अन्य शिक्षा में बलराम का शिक्षा, निकोलाई का शिक्षा में परमेश्वर हमें उसमें फंस के हमारे लोग ना फंसने पाए, और वो हमारा नाम उस श्वेत पत्र में लिखा जाएगा। परमेश्वर उस मन्ना जो हमारे लिए तूने परमेश्वर बलिदान हुआ है, उस मन्ना रूपी उस रोटी को परमेश्वर उसको खाने के लिए
उसको परमेश्वर पाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता अनुग्रह कर, तेरे मार्ग से तेरे शिक्षा से कभी भी परमेश्वर डाइवर्ट होकर के कहीं कॉम्प्रोमाइज होकर के समझौता होकर के हम अलग ना होने पाए, सहायता करना यीशु के नाम से मांगते हैं।